मैं सभी जितने भी बहन हैं उनको ये कहना चाहूँगी, देखने को मिल रहा है कि शिवांक कुमार आज टॉप वन रैंक में आया है। आप बिहार टॉप कर गए हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और अगले साल एग्जाम देंगे, किस तरह से वो पढ़ाई करें, क्योंकि आप बिहार टॉपर हैं, आपकी बातों को लाखों लोग सुन रहे होंगे। मैं उन सभी भाई बहनों को अपनी ओर से गाइडलाइन करना चाहूँगा, मैं आगे भविष्य में उन सभी के लिए एक टॉपर स्टोरी जो होता है, टॉपर बनने के जो स्ट्रेटजी है, इसके लिए मैं अपने बड़े भाई के नाते, मैं क्योंकि मैं अपना सीनियर हो चुका हूँ, अपने छोटे भाई को अपने ओर से गाइडलाइन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लेके जरूर आऊँगा। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि पढ़ाई कैसे करेंगे, वो रटेंगे या किस तरह से वो नॉलेज को एकत्रित करेंगे? नहीं, आप रटना छोड़ दे और चीज़ों को समझने का कोशिश करें, जितना ज़्यादा आप समझेंगे उसे ज़्यादा लाइफ टाइम याद रखेंगे, क्योंकि रटने वाला चीज़ अच्छी नहीं होती है, आप वो भूल जाइएगा। आप शिवांकर जी आपके भाई हुए, इनके जैसे भाई के लिए आप बहनों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो हेल्प करें अपने भाई को? मैं सभी जितने भी बहन हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप अगर अपने घर में बड़ी हैं तो आप अपने भाई का इतना ये ख्याल रखें कि वो कैसे किस तरह अपना स्टडी को आगे ले जा रहा है, और कहीं वो मतलब दिशा भटके ना, अगर वो कभी हो सकता है, होता है आज का जो ज़माना है सोशल मीडिया का है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है सोशल मीडिया के ज़माने में लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ जी, तो इसके लिए आप अपने भाई को प्यार से समझाएं, और हाँ इवन अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा डांटें भी, ऐसा नहीं है कि यस यस बिल्कुल बिल्कुल मैंने भी इसे लगाया है, लेकिन हाँ, लेकिन ये पूरा उसको किया, उस बात को ये समझा कि हाँ दीदी कह रही हैं तो कोई ना कोई मतलब वजह है और उनका एक्सपीरियंस है। हाँ, इसके लिए मतलब सोशल मीडिया से मतलब दूरी होना चाहिए, लेकिन एक हद तक मतलब कुछ हद तक रहना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, तो उसका आप कोई भी चीज़ के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो अच्छा होता है, एक आपको वो एक गुड एक बैड होता है, तो हाँ आप हमेशा गुड की तरफ जाएं, ठीक है। और इसके लिए मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये हूँ कि मेरा भाई, हाँ आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं मतलब स्टडी कर रही हूँ जनरल कंपटीशन का। जी, हमारे साथ शिवांकर जी के पिताजी भी हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर उनका योगदान कैसा रहा अपने बच्चे के प्रति और उनका बच्चा कैसा था। अंकल, सबसे पहले आप बहुत बहुत बधाई कि आपका बेटा मतलब बिहार टॉप किए हैं। धन्यवाद आपको भी। अंकल, ये बताइए कि शिवांकर जी जो टॉप किए हैं, आपको बचपन से ये कैसा था? बचपन से ये जीनियस रहा है, बचपन से ही टॉप करते आ रहे हैं, इसलिए बहुत सारा अवार्ड भी पड़ा हुआ है। जीनियस रहा है, पढ़ने में सिंसियर रहा है, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहा है। एक बार पढ़ाने के बाद फिर दोबारा नहीं बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब एक बार में ही ऑब्जर्व कर लेते थे। अंकल, ये बताइए कि उन टीचर लोग को क्या कहेंगे जो सिर्फ रटवाने का काम करते हैं बच्चों को, और वो पास तो हो जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन भी कर जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई नॉलेज नहीं हो पाता है। जहाँ तक मुझे पता चला है कि आप एक शिक्षक भी हैं, कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर कराने का कोशिश होनी चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते न है बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए न है, यह ज़रूरी है। जो ये सारा इनके गुरु के प्रयास से न है, इनके सभी गुरु के प्रयास से संभव हो सका है, और इसका आज यह आपको परिणाम देखने को मिल रहा है कि शिवांक कुमार आज टॉप वन रैंक में आया है। शिवांकर जी अभी जो बिहार टॉप किए हैं, बिहार टॉप करने के बाद ये कह रहे हैं कि हम एनडीए करेंगे, क्या आप सहमत है कि एनडीए ही करेंगे, या इनका बचपन से ही ख्वाहिश था कि मैं एनडीए में जाऊंगा? इनका विश है, और इनके विश के अनुसार मैं पूरा करने का पूरा कोशिश करूँगा। आपका बचपन से ही ख्वाब था कि मैं एनडीए में जाऊँगा? नहीं, टॉप करने के बाद ये नहीं, टॉप ये कहीं ना कहीं था कि देश की सेवा करना है, और उसके लिए जब पता चला एनडीए तो मुझे अच्छा लगा ये फील्ड। चलिए, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप एनडीए में जाए और अच्छा करें।
बाकी अभी मैं बिहार टॉपर के पास था और इन्होंने किस तरह से रैंक वन लाया और जो स्टूडेंट अभी 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहा आपने सुन लिया, और बिहार टॉपर शिवांकर के बारे में आप क्या सोचते हैं और बिहार बोर्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।